गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे आई छवि गुप्ता वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन. वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स विथ वाटर एंड रफेज. सो इट्स टाइम टू बिगिन अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे फूड में? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फैट्स को लिपिड भी बोलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स. क्लियर? दैट इज योर रफेज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी. ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट जो एनर्जी गिविंग था? दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. बट मेजर सोर्स क्या था आपका? कार्बोहाइड्रेट. सो वी राइट द आंसर एज कार्बोहाइड्रेट. द नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, दैट इज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. नाउ द नेक्स्ट इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ गुड आईसाइट. अच्छी आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए. बिकॉज अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आप रात को नहीं देख पाते. सो दैट्स वाई यू नीड विटामिन ए फॉर अ गुड आईसाइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी. ऐसा मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, दैट इज अ कैल्शियम. और अगर विटामिन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? विटामिन डी. लाइक इन डी पार्ट आपसे पूछा गया है अ मिनरल, ऐसा मिनरल जो आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है. सो मिनरल्स में तो कैल्शियम आ गया, बट अगर मैं यहाँ पे पूछती ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है, देन योर आंसर इज विटामिन डी. आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड सेकेंड ऑल्सो. नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड क्वेश्चन. नेम टू फूड्स ईच दोनों मतलब रिच इन. आपको यहाँ पे दे रखे हैं सोर्सेज, आपको वहाँ पे उनके एग्जांपल्स बताने हैं. द फैट्स क्रीम एंड बटर, स्टार्च राइस एंड व्हीट. बेटा स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं. डाइट्री फाइबर होल ग्रेन्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, मींस कच्ची सब्जियों जो मिलती हैं आपको. नेक्स्ट प्रोटीन मिल्क एंड सोयाबीन से मिलता है आपको. क्लियर? नाउ टेक द करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट सही है? By eating rice alone, we can fulfill nutrition requirement of our body. अगर हम सिर्फ राइस खा रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी में जो इतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब फुलफिल हो जाएंगे? नहीं. अगर हो जाते तो हमें बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती. बट हमने देखा कि बैलेंस डाइट के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए. विद दैट वाटर एंड रफेज भी चाहिए. सो दैट मीन्स राइस तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो क्या आप डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, बिकॉज बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे और किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी. सो अगर कमी नहीं होगी तो कोई डिजीज भी कॉज नहीं होगी. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स. बैलेंस डाइट के अंदर बहुत सारे फूड आइटम्स होने चाहिए बट इन प्रॉपर अमाउंट. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. क्या अकेले मीट खाने से मीन्स अकेले फैट खाने से, मीट में जो फैट है वो खाने से क्या आपकी बॉडी का जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? दैट इज योर रिकेट्स. दैट इज योर रिकेट्स. Now B part is deficiency of dash causes a disease known as beriberi. Beriberi किससे होती है? विटामिन बी वन की कमी से होती है. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as. विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होगी जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं? दैट इज योर स्कर्वी. क्लियर? सो नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज caused ड्यू टू अ डिफिशेंसी ऑफ डैश इन अवर फूड. नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात को ना दिखना, वो किस विटामिन की कमी से होता? दैट इज विटामिन ए. सो आपने देखा कि विटामिन और मिनरल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. सो जस्ट रिमेंबर ऑल द विटामिन फ्रॉम विच दे गेट और ऑब्टेन्ड
एंड ट्राई टू टेक मैक्सिमम विटामिन्स एंड प्रोटीन, मैक्सिमम विटामिन्स एंड मिनरल्स इन योर डाइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.